आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला खिलाड़ियों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया है, जिसे देख ऐसा लगता है कि अब भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। बीसीसीआई ने एक नई पॉलिसी लागू करते हुए अब मैच फीस के तौर पर महिला और पुरुष के बीच के भेदभाव को ही खत्म कर दिया है। आपको बता दें, बीसीसीआई ने कहा कि अब से महिला और पुरुष को बराबर मैच फीस मिलेगी। इस बात की जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने दी है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान ट्विटर पर किया और कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भेदभाव मिटाने की दिशा में बीसीसीआई ने पहला कदम उठाया है। हम बोर्ड से अनुबंधित महिला क्रिकेटर के लिए समान वेतन की पॉलिसी लागू कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट खिलाड़ियों को एक जैसी मैच फीस मिलेगी और इसके जरिए हम क्रिकेट में लैंगिक समानता के एक नए युग में प्रवेश करेंगे। इसके बाद उन्होंने पॉलिसी लागू करने में पूरा सहयोग करने पर अपेक्ष काउंसिल का भी शुक्रिया अदा किया। बता दें कि बीसीसीआई के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लिए पुरुष खिलाड़ियों के बराबर 15 लाख रुपए फीस मिलेगी। वहीं वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए मैच फीस मिलेगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।